हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि नहीं जाऊंगा नक्सल प्रभावित इलाके में। बीजेपी सांसद को जाना था बस्तर इलाके में चुनाव प्रचार करने। पायलट ने साफ मना कर कह दिया कि हालात सही नहीं है, इसलिए नहीं जा पाऊंगा। बता दें कि राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में हालात बद से बदतर हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे क्योंकि पायलट वहां जाने से मना कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बड़े अच्छे हालात थे, नक्सलियों के हौसले पस्त थे, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नक्सलवाद तेजी से पनप रहा है। देखिए, प्रदेश की हालात इस तरह से खराब हो चले हैं कि आज वो बस्तर के सुदूर अंचल में जहां हमारे देश के जवान वहां के हमारे फोर्सेस वहां ड्यूटी कर रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें नहीं आई थी, लेकिन आज हेलीकॉप्टर के पायलट भी जो प्राइवेट पायलट है भारतीय जनता पार्टी ने हायर किया है, वहां भारतीय जनता पार्टी के और से विभिन्न कार्यक्रम रखे गए थे, उस कार्यक्रम में मुझे जाना था और 10 बजे की मीटिंग थी हमारी वहाँ दंतेवाड़ा में, इसके बाद बीजापुर और सुकमा जैसे क्षेत्रों में भी जाना था, लेकिन जो अभी कल जो घटना हुई है उस घटना के वजह से पायलट ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हम किसी भी हालत में वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति बना रखी है। मैं प्रदेश सरकार से तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश की हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गया है, बैठ गया है, और ये सरकार जो है दिवालिया होने के कगार में आ चुकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाला समय में एक वातावरण कैसे बने, कैसे निर्माण हो, क्योंकि पायलट वहाँ तक हेलीकॉप्टर लेकर के नहीं उड़ सक रहा है, नहीं जा रहा है, तो इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। मैं चाहूँगा कि प्रदेश की छवि को बचाएं, प्रदेश की जो आर्थिक दिवालियापन की ओर हम जो बढ़ रहे हैं उससे कैसे रोका जा सके, जिससे कि देश में हमारी जो प्रतिष्ठा थी पूर्व में, वो प्रतिष्ठा हमारी जो है बनी रहे।